some breaking news coming in as the Delhi choke season is upon Delhi. Delhi Environment Minister's address after key pollution meeting. Let us cut across to what the Environment Minister Gopal Rai has to say. एजेंसियां हैं, IIT कानपुर और दिल्ली सरकार की एक मीटिंग बुला लीजिए, जिससे हम लोग पहले से ही तैयारी करें कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन बनती है तो इस तरह के इस मॉब को तोड़ने के लिए कृत्रिम बारिश कराया जा सके। आप ये गंभीरता समझने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। अगस्त के पहले सप्ताह में हमने पत्र लिखा था, सितंबर बीत गया, अक्टूबर बीत गया, नवंबर आ गया, भाजपा की सरकार को एक बैठक बुलाने की भी फुर्सत नहीं है या जरूरत उन्हें महसूस नहीं हो रही, या फिर वो चाहते हैं कि प्रदूषण बढ़े। आज तक बैठक नहीं बुलाई गई और जिस दिन के लिए मैं 2.5 महीने पहले से प्रयास कर रहा था, आज वो प्रदूषण की मार झेलने के लिए दिल्ली के लोग मजबूर हो गए। और अभी टिल नाउ अभी तक केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी की तरफ से जवाब नहीं आया कि वो बैठक करेंगे भी कि नहीं करेंगे, कुछ नहीं पता है। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि दिल्ली के लोगों को इस तरह के प्रदूषण की मार में झेलने के लिए, पूरे उत्तर भारत के लोगों को इस प्रदूषण की मार को झेलने के लिए लावारिस छोड़ करके आप कब तक सोते रहोगे, कब जागोगे आप? क्या कोई जिम्मेदारी आपकी नहीं बनती है देश की सरकार होने के नाते? पूरे आधा भारत को आप इस तरह से एक मेडिकल इमरजेंसी में छोड़ करके आप मौन व्रत धारण कर लोगे, कुछ बोलोगे भी नहीं, कुछ करोगे भी नहीं, किसी को करने भी नहीं दोगे? ये ठीक बात नहीं है। दिल्ली सरकार अपने स्तर पे लगातार काम कर रही है। दिल्ली के अंदर ग्रेफ 4 लागू हुआ है। दिल्ली के अंदर आज अभी हमने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है, सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि ग्रेफ 4 के नियम को कड़ाई से लागू किया जाए और किसी तरह की कोई लापरवाही न बरती जाए। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं कहना चाहता हूं, अब तो जाग जाओ, अब तो कुछ करो। इस तरह से लोगों की जान को, लोगों की सांसों को खतरे में डाल करके आप मौन व्रत धारण करके आप बच करके भाग नहीं सकते। इसलिए मैं ये मांग करना चाहता हूं कि तुरंत केंद्र सरकार इस पर पहल करे और जो जो इमरजेंसी मेजर्स हो सकते हैं उनको उठाया जाए, जिससे पूरे उत्तर भारत को इस प्रदूषण की मार से बचाया जा सके। कोई क्वेश्चन हो तो ले। कोई महत्वपूर्ण सर लेकर वो फैसला है कि ऑफिसेस के आज से लेकर या कुछ ऑर्डिनल फैसला? देखिए, अभी जो आज अभी हमने डिस्कस किया है उसमें ग्रैप 4 के जो नियम है, जो दिल्ली के अंदर जो ट्रक हैं उन पर जो प्रतिबंध लगा है ग्रैप 4 में, दिल्ली के अंदर जो BS4 के डीजल की जो कम क्षमता वाली गाड़ियां उन पर प्रतिबंध लगा है, बाहर रजिस्टर्ड जो हल्के कमर्शियल वाहन है उन पर प्रतिबंध लगा है, कंस्ट्रक्शन पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। उसके साथ साथ जो क्लासेज बंद हुई हैं उनमें 10वीं और 12वीं के बच्चों को जो है वो स्कूल जाने की अभी अनुमति है। आज हमने डायरेक्शंस दिया है कि उनको मास्क जो है मैंडेटरी प्रोवाइड किया जाए जो बच्चे जो है वो स्कूल आ रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट को डायरेक्शन हमने दिया है कि एक स्पेशल टास्क फोर्स जो है LNJP में बनाया जाए, जिससे कि इस तरह की कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स होती है उसको जो है उनको सहयोग दिया जा सके। हम अपने स्तर पे जो भी कदम है हम उठा रहे हैं और आगे भी हम उठाएंगे, लेकिन पूरे उत्तर भारत की लड़ाई वो केंद्र सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को सामने आना पड़ेगा, जिम्मेदारी कबूलनी पड़ेगी और इसके समाधान के लिए काम करना पड़ेगा। मौन व्रत धारण करने से भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती है। अभी जो निर्णय लिया गया है उसको हमने आपके सामने बताया, कोर्ट का जो डायरेक्शन आएगा उसके अनुसार फिर सरकार
उस पर स्टडी करके अपना निर्णय लेंगे। सर ये भी कहा गया है कि 450 से नीचे भी क्यों आया था तब भी गिरफ्तार नहीं हटाना है बगैर पूछे। मैंने तो कहा ना कि कोर्ट का जो डिसीजन है, कोर्ट का डिसीजन जो है हमारे पास आएगा और कोर्ट के निर्णय के अनुसार फिर सरकार अपनी कार्ययोजना बनाएगी। सर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी बात को इंगित किया है जो आप इशारा कर रहे हैं कि पड़ोसी राज्य ग्रैप को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, ग्रैप टीम भी इम्प्लीमेंट नहीं किया था। उन्होंने इंश्योर करने के लिए कहा है कि टीम सेटअप की जाए जो मॉनिटर करे कि ग्रैप को इंटायर एनसीआर के अंदर भी बराबर लागू हो। मैं उससे आगे की बात कह रहा हूँ, क्या पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की मार झेल रहा है? बुजुर्गों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है, बच्चों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, और केंद्र सरकार सोच सकती है क्या कोई देश की? दुनिया के किसी देश के अंदर अगर ये हालात पैदा हो तो क्या उस देश की केंद्र सरकार सोच सकती है क्या? क्या केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मौन व्रत धारण कर सकता है क्या? क्यों भाग रही है भारतीय जनता पार्टी अपने जिम्मेदारियों से? और हम जो करना चाह रहे, 2.5 महीने पहले हमने एप्लीकेशन लगाई, भाई परमिशन तो दिलवा दो। आज वो दिन आ गया, आज जो स्मॉग बना हुआ है या तो तेज हवा से टूटेगा या फिर बारिश से टूटेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं। पॉल्यूशन के सोर्स को कंट्रोल करने के लिए हम ग्रैप 4 के माध्यम से काम कर रहे हैं कि उनको रिड्यूस किया जाए, लेकिन वो भी दिल्ली में लागू हो रहा है, दिल्ली के चारों तरफ, उसकी भी कोई पूछने वाला भी नहीं है, कोई माई बाप भी नहीं है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कि उन ग्रैप के नियमों का क्या होगा। मैं तो उस दिन हैरान था जब मैं गया डिपो के अंदर और देखा कि BS4 की बस फिर भी भेजी जा रही है, पूरे NCR में CAQ ने बैन लगाया। दिल्ली के बॉर्डर में इंटर तब की होगी बस जब भारतीय जनता पार्टी के बॉर्डर की सरकारों के सारे जिलों को क्रॉस की होगी, किसी ने पूछा भी नहीं, उन्होंने भेज भी दिया वहां से। तो ये जो मेडिकल इमरजेंसी भारतीय जनता पार्टी क्रिएट होने के बाद भी लोगों को जिस तरह से अकेला छोड़ करके मौन व्रत धारण की हुई है, इसके उलट आप एक बात सोचो कि अगर पंजाब 47,000 से 7,500 पे ला सकता है, ये क्या करिश्मा है कि 1,500 उत्तर प्रदेश में था, इस बार 2,500 हो गया। सारा सुप्रीम कोर्ट, सारा CAQM, सब कुछ एक तरफ और सबके आंख के सामने 1,500 की घटना 2,500 हो गई, और ये चार्ट भी केंद्र सरकार जारी करता रहता है। तो ये इस बात को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से आज प्रदूषण की समस्या भारत की नहीं, पूरा इंटरनेशनल मसला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गंभीरता को दिखा रहा है कि पूरा उत्तर भारत जिस समस्या की चपेट में है उसका समाधान 10 सालों में करने के लिए केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गंभीर प्रयास नहीं किया। अगर किया होता तो शायद आज सकारात्मक परिणाम होते। सर विंटर एक्शन प्लान जारी करते उस दौरान आपने कहा था कि अगर 450 से ऊपर जाएगा तो ऑड इवन लागू किया जाएगा, तो क्या आप ये बताने की पोजीशन में कि ऑड इवन लागू कर रहे हैं या नहीं कर रहे? देखिए अभी जैसा ग्रैप 4 में अतिरिक्त कदम भी सरकारों को उठाने की सलाह दी गई है। हाँ जी, तो क्या कदम अतिरिक्त, जो अतिरिक्त कदम की जो आप बात कर रहे हैं उन सारी चीजों पे हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, और जो परिस्थितियां बनती हैं सरकार, दिल्ली सरकार हर निर्णय ले रही है, हर चीज पे हम मॉनिटर कर रहे हैं, डे टू डे मॉनिटर कर रहे हैं, डे टू डे एक्शन ले रहे हैं, जो जरूरी कदम होगा सारी चीजों का एक्सपर्ट्स के साथ हम लगातार संपर्क में हैं, हम वो कदम उठाएंगे। Well, that was Environment Minister Gopal Rai urging upon the centre to step in and ensure that the BJP-ruled states adjoining Delhi must also take measures to ensure that the pollution levels are kept in check, especially the stubble burning. The Gopal Rai Environment Minister over there maintaining that the centre has done very little so that Delhi ends up being at the receiving end, although the Aam Aadmi Party government in Delhi has taken all possible measures to ensure that Delhiites do not have to bear this brunt. However, it has to be a collaborative effort between the center and the state governments.